हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप जोशी व्लॉग्स। तो यार, अभी आपको टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि मैं बेसिकली अभी कहाँ हूँ। तो गाइस, ये है बेसिकली पठानकोट का रेलवे स्टेशन, और यहाँ से निकलते यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएंगी टैक्सी। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पर टैक्सीज अवेलेबल होती हैं। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो और अगर आप कंफर्टेबली जाना चाहते हो तो टैक्सी एक बेटर ऑप्शन रहेगा। सेकेंडली, यहाँ से निकलते ही अगर आप लेफ्ट हैंड पे देखोगे तो ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पठानकोट लिखा हुआ है। यहाँ से डलहौजी के लिए बस जाती रहती हैं। नहीं तो अगर आपको और अच्छा ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से निकल के स्ट्रेट जाते ही लेफ्ट लेंगे, मुश्किल से 100 मीटर चलेंगे तो प्रॉपर बस अड्डा आ जाएगा। ये भी बस अड्डा ही है, यहाँ पर से बस होते हुए जाती है। तो बहुत ईजी है, मतलब रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें भी एक वॉल्वो टाइप एसी बस मिल गई है, क्योंकि कल रात को मैं निकला था ट्रेन से पठानकोट तक, एंड देन पठानकोट से हमने बस लेके हम पहुँचे हैं यहाँ डलहौजी। इतना सवाल लेकर आने को किससे बोला था? हैं, रेस्ट कर लिए होते प्लीज प्लीज। प्रदीप, मैं नहीं जा पाऊँ, मैं थक गई। मैं तो समझ गया हूँ, तू थक गई। हाँ, नकली चल चुप जा। वाह वाह वाह, तू सामान को पहले पहुंचा के आ, फिर मुझे लेने आ। वाह, काम मेरा देख पा रहे होगे आप, ये होटल है जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ। एंड बहुत ज़्यादा थक गया था यार, क्योंकि कंटिन्यूसली 13 to 14 hours का हमारा ट्रैवल था। देन उसके बाद हम जैसे ही डलहौजी पहुँचे, वहाँ से हम फटाफट फिर अपने होटल पहुँचे। होटल में पहुँचते ही एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो 3-4 घंटे का हमने यहाँ पे रेस्ट लिया है। और अब मैं जा रहा हूँ लोकल मार्केट विज़िट करने। साथ में है मेरे सृष्टि लामा तामन। कैसा लग रहा है सृष्टि? ठंडा लग रहा है यार, सच में यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ठंडा है। बट हाँ, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, बिकॉज मैंने जब यहाँ पे आने का प्लान बनाया था तो मैंने सारी चीज़ें चेकआउट कर ली थी कि अभी आने वाले 3-4 दिनों में यहाँ का वेदर कैसे होने वाला है, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो रहा है डे टाइम पे, इवनिंग टाइम पे। तो मैंने उसके हिसाब से सारी पैकिंग कर ली है, तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ वैसे कहीं ना कहीं। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे जैसे अभी देख रहे हो धूप है, बट स्टिल यहाँ पे ना अभी हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। तो अभी जाते हैं मार्केट विज़िट करते हैं। व्यू देख सकते हैं आप मेरे पीछे का, अगर आपको दिख रहा होगा, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है यार, बहुत ब्यूटीफुल। तो अभी आपसे आगे मिलते हैं, मैं ज़रा मार्केट विज़िट कर लूँ। हम एंटर कर चुके हैं यार यहाँ का डलहौजी के मेन लोकल मार्केट में, और हमने अपना होटल भी जो है वो मॉल रोड में ही लिया हुआ है, जिससे कि आसानी हो किसी भी लोकेशन में जाने के लिए। हाँ, तो दिखाते हैं आपको कैसा है अंदर से पूरा मार्केट। ब्लैक डॉग। तो जिन लोगों को ठंडियों में गर्म का एहसास करना है, यहाँ का पूरा मतलब लोकल सब कुछ ट्राई करेंगे हम सब कुछ धीरे धीरे। पहले यार चाय, स्ट्रीट फूड कैसी होती है हिमाचल प्रदेश, है ना? एक बार फिर से बोलेंगे आप? मैं ये बोल रही हूँ, हम यहाँ के स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे पूरा पूरा। तो अभी हम जैसे कि यहाँ पे तंदूरी चाय बहुत फेमस है, आई सो इन ब्लॉग्स। तो ये है गांधी चौक, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि सामने गांधी जी की स्टैचू भी है, वो लगी हुई है ऑलरेडी। कैफे डलहौजी द मोस्ट फेमस, इसको तो सभी ने देखा होगा आई थिंक।
नाइस। हाय, वो बोल रहा है कि मुझे प्यार कर। कितना प्यारा है यार। हाँ ये है, ये सबसे पुराना चर्च है हिमाचल, मतलब डलहौजी का। 1863 में बना है। तो ये है मेन चर्च। अभी मैं पता नहीं यार चर्च में अलाउड होता है नहीं होता है वीडियो, तो फ़िलहाल मैं भी आसपास का यहाँ पे लोकेलिटी की वीडियो ले रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाह, तो मीठे मीठे गरम गरम रसगुल्ले, यहाँ पे तंदूरी आइटम, यार शाम हो चुकी है। वाह यार, कैफे डलहौजी यहाँ आएंगे यार, है ना, यहाँ एक बार जरूर आएंगे। ठीक है यार, फिश है शायद। वाओ यार, वो देख ट्राउजर्स कितने कैड़े लग रहे हैं, भयंकर व्यू देखो भाई यार, क्या सेक्सी व्यू है यार। गाइस पिज्जा खा लो, बर्गर बर्गर। अबे देख किंग इन द रूम ट्रेलर ऑफ सेलर रिंग Man, trailer or sailor ring Ain't got no secrets but Trailer or sailor ring Give me Don't pay no Trailer or sailor ring दो। आ रहे तो अच्छी लग रही है ना। ये होटल आई थिंक तो प्रिटी लग रहा है। तू तो दिख ही नहीं रहा है व्यू के सामने। हमारा होटल दिख रहा है यहाँ से? नहीं, सो प्रिटी, पूरा घना जंगल के बीचों बीच। यहाँ लिखा भी है कि सनराइज व्यू करके। ओए प्रदीप जी, कैसा लग रही है तू बोलता ना। बात मत कर मुझसे, अरे मैं बहुत खोया हुआ हूँ। मतलब इतनी थकावट के बाद, इतनी मशक्कत के बाद वर्दे दहे पूरा, क्या व्यू है यार। तो यार इस प्यारी सी लोकेशन पे हमने फोटोज क्लिक कर लिया, बहुत ही अमेजिंग फोटोज आई हैं मेरी छोड़ के। अच्छा तेरा भी अच्छा ही लिया मैंने।
हमेशा बहुत बुरा लेता है। जब फोटोज आएंगी ना गाइस, आप खुद देखेगा, इतना दुख होता है ना यार, जब तुम दूसरों की इतनी अच्छी फोटोज खींचते हो और तुम्हारी फोटोज किसी को खींचनी ना आए, ऐसा ही फील होता है मुझे भी। जब पहले जब तू करता था मेरे साथ, मैं अच्छे अच्छे लेती थी, तू मेरा गंदा गंदा सा लेता है। और यार अब भूख भी लग रही है, और कैसा लगता है तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने यार, मोमोज वगैरह खाने का बड़ा मन कर रहा है क्योंकि ठंड बहुत हो रही है और कुल्हड़ चाय तो मस्त है। सो वो मिलते हैं आपसे आएंगे तंदूरी वाली। ओके तंदूरी चाय। चाय की चुस्कियाँ लेते हैं। Cheers, cheers. तो मोमोज रेडी हो गए हैं। सृष्टि पतंग देख रहे कैसा है मोमोज प्रदीप? अच्छा मोमोज खा रहे हैं। कितनी भूख लगी थी तुझे? मुझे बहुत भूख लग रही है, मोमोज से कुछ नहीं होगा मेरा। उसमें से एक ले ले और पापा के लिए एक ले ले। 350 के ना? 350 कम नहीं करोगे भैया? थोड़ा लाइक मान रख लेंगे भाई, आप फाइनल कर लो ना पहले। हाँ ये अच्छी लग रही है। ओम फो जो अगर ये लोकल जो है ना, इधर ना ये पहनते हैं और ये पहनते हैं। पापा पे लूज तो नहीं आएगी? लूज आएगी पापा के कपड़े पे। आ रही लूज आएगी? कैसे बोल रहे हैं? अरे मेरे पे, मेरे से तो बाल है, पापा के बाल रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा बट ये क्या शॉल है भैया? ये शॉल है क्या? कर समझ गया। ये देख लो पहन के, तो यार गाइस ये था डे वन ऑफ डलहौजी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है यहाँ का डलहौजी, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। एंड बहुत ज़्यादा थक गए थे तो हम ज़्यादा कहीं दूर गए नहीं, लोकल मार्केट ही हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया आज के व्लॉग में। एंड कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन हमें मिली जहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ क्लिक करी है यार, उसकी फ़ोटोज़ मैं अपने इंस्टा अकाउंट में भी ज़रूर अपलोड करूँगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और बाकी मैंने जो अपनी दूसरी लोकेशंस अपनी डायरी पर नोट डाउन करके रखी हुई है वो मेरे को आपको दिखानी है, लेकिन उसके लिए आपको मेरा सेकंड ब्लॉग देखना होगा डलहौजी। तो अभी यार रात बहुत हो चुकी है, ठंड बहुत हो चुकी थी और ऑब्वियसली थक भी गए थे, तो यार मैंने सोचा कि अब चलते हैं रूम पे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। बाकी एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि यार आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हो प्रॉपरली, लेकिन यार उसमें लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं कर रहे हो उस वीडियोज़ को। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ जो है वो कंटिन्यूसली आपको दिखती रहे। बाकी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जा रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांट रहिए। बाय।